بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از پرویز علی. آئی ایم فرام نارول کراچی کورین لینگویج اکیڈمی نارول اور رحیم گارڈ. بہت سارے دوستوں اور اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ کرنے کے بعد آج یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे और फर्स्ट टाइम है और पहली बार ही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये चाह रहा था कि ऑनलाइन वीडियो बनाऊं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा. बिला तखीर किए मैं स्टार्ट करता हूँ. चैप्टर नंबर 6 युग क्वा. युग नंबर 6 क्वा और युग क्वा. चैप्टर नंबर 6. क्वा का मतलब होता है चैप्टर. छुनन मैं त्वान इम्निदा. छुनन मैं त्वान इम्निदा. मैं त्वान हूँ. माई नेम इज त्वान. हक्सित मक्फ्य. चैप्टर की पढ़ाई. हक्सिक मुख्य का मतलब होता है चैप्टर की पढ़ाई. चैप्टर का मकसद क्या है. छागी सोगे हागी. छागी छोगे हागी. इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ. अपना तारीफ. मुनफिब ग्रामर. इमनिदा इमनिका. इमनिदा जो है वो जवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं और इम्निका का मतलब होता है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. मुनफिब का मतलब ग्रामर. इस चैप्टर में जो ग्रामर है वो इम्निदा और इम्निका है. इम्निका का से आप क्वेश्चंस करते हैं और जब आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो आप इम्निदा में देते हैं. इट्स मीन कि इम्निदा जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है और इम्निका सवाल करने के लिए होता है. वही एक्स्ट्रा वोकैबुलरी भी कहते हैं. वही वोकैबुलरी है. एडिशनल वोकैबुलरी भी कह सकते हैं. वही का मतलब है वोकैबुलरी. नारा कंट्री मुलक. छिगम पेशा. छंबू मालूमात इंफॉर्मेशन. मुनहा कल्चर. इंसा ये जो. ग्रीटिंग माय नेम्स अदबी अदा. थेवा इल. डायलॉग गुफ्तगू मुकालमा बातचीत. आप कोई सा भी इनमें मानी याद रख सकते हैं. मिनसु नाम है. एनिंगासियो हेलो. छुनन मैं. ई मिनसु इमिदा. ई मिनसु हूं. यहां पे जो नाम है उसने अपना नाम बताया है कि मेरा नाम जो है ई मिनसु है. छुनन ई मिनसु इमिदा. थ्वान एनिंगासियो हेलो. छुनन त्वान इमिदा. मेरा नाम त्वान है. आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम एहसन है. वो आपसे कहता है कि जी मेरा नाम इब्राहिम है. तो दो पर्सन जब आपस में बात करते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए तो अपना अपना नाम बताते हैं. तो यहाँ पे मिनसु छुनन ई मिनसु इमिदा और त्वान छुनन त्वान इमिदा. मेरा नाम त्वान है या मैं त्वान हूं. छुनन फितनाम सारम इमिदा. मैं वियतनाम. सारम आदमी कह सकते हैं कि वियतनाम का आदमी हूं या बछिंदा कह सकते हैं कि मैं वियतनाम का बछिंदा हूं.
आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अगर आप इसकी रीडिंग करना चाहें तो आप ट्रैक नंबर ई शिप ई, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, आप इसको सुन सकते हैं। हम लास्ट पे इसको जरूर देखेंगे। ओही इल वोकैबुलरी नंबर वन नारा कंट्री हानकुक कोरिया निथाल नेपाल टू थिमोर ईस्ट थिमोर मंगल मंगोलिया मंगल मंगोलिया म्यांमार म्यांमार बांग्लादेश बांग्लादेश वियतनाम वियतनाम श्रीलंका श्रीलंका उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान इंडोनेशिया इंडोनेशिया चुकुक चाइना कंबोडिया 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 किर्गिस्तान किर्गिस्तान तुकु थाईलैंड पाकिस्तान पाकिस्तान फिलीपीन फिलीपाइन। नेक्स्ट मोनफिप इल ग्रामर इमनिदा, आपकी ग्रामर जो इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे हमने पहले ही चैप्टर के मकसद में पढ़ा है कि यहाँ पर आपको इस जो चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें चैप्टर का जो मकसद है वो यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। और यहाँ मुनफिप आपकी ग्रामर बता दी थी इमनिदा और इमनिका। जी इमनिदा का मतलब है हूँ, दो चीजों के साथ आप मानी ले सकते हैं, इमनिदा है हूँ। अब यहां पे तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके साथ आप इमनिदा लिखेंगे तो आपका मानी जो है वो हूँ में आएगा, और इसके अलावा आप जिस नाउन के साथ भी लिखेंगे तो उसका मानी है में होगा। सपोज खनहोसा इमिदा नरस हो, तवान इमिदा तवान हो, पाकिस्तान सराम इमिदा पाकिस्तानी हो, और इसके अलावा अगर आप ये कहें कि छक इमिदा किताब है, छिप इमिदा घर है, कंप्यूटर इमिदा कंप्यूटर है, तो इस तरीके से आप इमनिदा को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। छागी छोगे रुल हालते छागी सोगे रुल हालते सयुम हंदा छागी सोगे रुल छागी सोगे रुल छागी सोगे अपना छागी अपना सोगे तारीफ हलते करवाते हुए या करते हुए सयुंग हद इस्तेमाल करें इरम नाम खुकचुक कोमियत छिगप पेशा थुंगरुल वगैरह सुगे हल सुता तारफ करवा सकते हैं या तारफ करवाते हुए अपना तारफ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं या करें इरम नाम के साथ खुकचुक कोमियत ठीक अब पेशा तुंगरू वगैरह सोगे हल सुता अपना तारफ करवाते हुए। इमनिदा इज यूज्ड, आप अगर इसमें देखेंगे तो यहां पे भी इसी लाइन का मतलब है, इमनिदा इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस वनसेल्फ इंक्लूडिंग वन्स नेम नेशनैलिटी ऑक्यूपेशन इटीसी वगैरह। और इसके अलावा इमनिदा
कि आप जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन किसी बंदे का नाम, थिंग्स चीजें, एनिमल्स जानवर, प्लेस जगह, ऑक्यूपेशन और नाउन, ये भी आप इस डेफिनेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी नंबर वन, खा ना। खा का मतलब होता आप और ना का मतलब होता है मैं। अब दो बंदे जब आपस में बात करते हैं तो यहां पे आप ए और बी, इसी तरीके से कोरिया के अंदर खा तुम या आप, ना मैं, ना और नानुन मैं, छुनन मैं, एक अल्फाज के तीन तरह से हम मानी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुनन थ्वान इमिदा, मैं तवान हूं, ना कह रहा है, छुनन मैं थरु इमिदा थरु। आप यहां पे किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, छुनन अली इमिदा, मैं अली हूं, छुनन मुजम्मिल इमिदा, मैं मुजम्मिल हूं, और सेकंड पर्सन जो है जो उसके साथ बातचीत कर रहा है वो यहाँ पे अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, वो अपना जो उसका नाम होगा वही आपको बताएगा। सपोज वो कहता है कि छुनन हमजा इमिदा, छुनन आमिर इमिदा, तो वो इनका नाम इस्तेमाल होगा। नंबर टू एग्जाम्पल, खा छुनन पाकिस्तान सराम इमिदा, छुनन मैं पाकिस्तान सराम, पाकिस्तान सरम आदमी इमिदा हूं, मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूं। छुनन इंडोनेशियाए सराम इमिदा, छुनन मैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सारम आदमी इमिदा हूं। अब यहां पे आप देखा जाए तो एग्जाम्पल हमारी थी कि इरम नाम, तो यहां पे त्वान नाम आ गया, और सेकंड हमारा था कि कोमियन छुक्कु खुकचु कोमियत, तो कोमियत हमारी क्या है, पाकिस्तान सराम। जी आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज। यूनसिप इल, यूनसिप का मतलब होता है प्रैक्टिस। नंबर वन फोगी मसाल एग्जाम्पल, छुरम की तरह, मुन जंगल फिक्रा, वन सुंग है से ओ, वन सुंग हा सोयो, मसाल की तरह फिक्रा मुकम्मल कीजिए, फॉलोइंग द एग्जाम्पल कंप्लीट द सेंटेंस। होगी मसाल है छुनन त्वान इमिदा, यहां पे आपको नाम दिया हुआ है त्वान साहब का, और आप कह रहे हैं कि छुनन छुनन त्वान इमिदा, मैं तवान हूं। इसी तरीके से आपने यहां पे रेहान है सूफी का, तो आप क्या कहेंगे, छुनन रेहान इमिदा, मैं रेहान हूं। और इसी तरीके से ये सूफी खा, छुनन सूफी खा इमिदा, मैं सूफी का हूं। आगे चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू है फोगी मसाल छुरम की तरह, मुंजंगल फिक्रा, वनसंगे सेव, जोड़े मुकम्मल करें, जोड़े या फिर मुकम्मल करें, सेम सेंटेंसेस आपको बताया गया है। फोगी में है फेत नाम, अब यहां क्या है आपकी कंट्री का नाम है, कौमियत के बारे में पूछ रहा है, नेशनैलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पाकिस्तान छुनन पाकिस्तान सराम इमिदा। एग्जाम्पल आपको जो दी गई है वो है छुनन वियतनाम सराम इमिदा, वियतनाम है, छुनन फितनाम सराम इमिदा, मैं वियतनामी हूं। इसी तरीके से यह पाकिस्तान है, तो आपने पाकिस्तान के हिसाब से एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है, छुनन पाकिस्तान सराम इमिदा, मैं पाकिस्तानी बंदा बशिंदा हूं।
नंबर टू थिक छुनन थिक सुनामी मिदा थाईलैंड के, या आप कोई सा भी यहां पे नाम अगर लिखा जाए कह सकते हैं निफाल छुनन निफाली मिदा मैं निफाल का। नेक्स्ट थेवा ई डायलॉग नंबर दो मुकालबा नंबर दो या गुफ्तगू नंबर दो थ्वान छुनन त्वानि मिदा मैं त्वान हूं छुनन त्वानि मिदा मैं त्वान हूं। छुंगु उनी नारा स्रामी मिका अब यहां पे इमनिका का उसने पूछा है क्वेश्चन कर दिया है सवाल कर दिया है कि कौन से या किस मुलक के हो उनी नारा स्रामी मिका किस मुलक के हो तो आप कह रहा है वेतना फितनाम स्रामी मिदा मैं वियतनाम का हूं वियतनामी हूं वियतनाम का बशिंदा हूं वियतनाम का आदमी हूं लेकिन आपका मुनफिब जो ग्रामर थी इमनिका टू आस्क क्वेश्चन और इमनिडा टू गिव आंसर आप जब कोई भी सवाल करेंगे तो इमनिका में पूछेंगे और जवाब आपको इमनिडा में देना पड़ेगा। छिंगो हक्सिंग श्रामी मिक्का तालब इलम हो क्या क्या तालब इलम हो या तालब इलम हो क्या सवाल किया है सवाल कहता आनियो नहीं होइसा वो निमिता मैं फैक्ट्री मुलाजम हूं किसी कंपनी में मुलाजम हूं जी ये आपको टीआईपीटी पर हारिम प्रोनाउंसिएशन इट्स मीन तलफज है आपका इमनिदा इमनिदा ये आपको एग्जाम्पल के तहत समझाया हुआ है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये आपका तलफज किस तरीके से इस्तेमाल होगा। इम इबनिदा इज प्रोनाउंस्ड इमनिदा जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं जी ओही ई छिग पेशा हक्सिक इमनिदा तालबिलम हक्सिंग तालबिलम अगर इमनिदा लगा देंगे तो तालबिलम हूं सुनसिंग निम उस्ताद होइसावन बिजनेसमैन फैक्ट्री वर्कर छुबू हाउसवाइफ क्यूंगछल ग्वान पुलिस ऑफिसर सोबंगवान फायरमैन खुमुवान सरकारी मुलाजम छुमवान क्लर्क या शॉपिंग में भी कह सकते हैं यहाँ पे दोनों तरीके का इस्तेमाल हो सकता है आपको आप पिक्स देखेंगे उइसा डॉक्टर खनोसा नरस यूरीसा कुकिंग करने वाला उनजुन खीसा ड्राइवर खीछुलजा टेक्नीशियन मैकेनिक मुक्सु बढ़ाई कारपेंटर ये जो लकड़ी के काम करते हैं नंगबू कसान ओबू मशेरा फिशरमैन फिशर पर्सन मछलियां पकड़ने वाला जी अगर आप इनका कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहे तो आप नॉन प्लस इमनिका का इस्तेमाल करेंगे इमनिका नॉन प्लस इमनिका और जो जवाब आपने देना है नॉन प्लस इमनिदा में आप जवाब देंगे सपोज ओइसा इमनिका और जवाब होगा ओइसा इमनिदा जी मुनफिब ही इमनिका पता है क्वेश्चन है
Imnika is the question form of the Imnida. Ipnida. It's used to ask the question regarding nouns. ये हमेशा जो नाउन होगा उसी से पूछा जाएगा. नंबर वन खा आप तुम ना मैं. होइसा वोन इमनिका, क्या कंपनी मुलाजम हो? ने हाँ. होइसा वोन इमनिका, हाँ कंपनी मुलाजम हो. जी हाँ फैक्ट्री वर्कर हूँ, कंपनी मुलाजम हूँ. नंबर टू सुनसिंग नेम इमनिका, क्या टीचर हूँ? अगर हूँ तो यस, ने हाँ, और अगर नहीं है तो नो, आनियो नहीं. हक्सिंग इमनिदा, मैं तालबिलम हूँ. नंबर थ्री यूरी यूरीसा इमनिका, क्या कुकमैन हो, कुकिंग करने वाले हो? तो ने हाँ, यूरीसा इमनिदा, मैं कुकिंग करने वाला हूँ या कुकिंग पकाने वाला हूँ, कुकमैन हूँ. जी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. यूनिट ए प्रैक्टिस नंबर टू. नंबर वन क्रीमुल भोगो, क्रीम का मतलब तस्वीर, भोगो देखकर, फोगी मसाल छुरम की तरह, अल मचनन दुरुस्त मलरन युनसिंग हेसे हो. लफ्ज को मलाएं, जोड़ें या मुकम्मल करें. फॉलोइंग द एग्जाम्पल मैच द वर्ड टू द एप्रोप्रिएट पिक्चर्स. फोगी आपको दिया हुआ है और आप देखेंगे तो उसका आंसर जो है आंसर नियन में दिया ओइसा. ओके इसी तरीके से नंबर वन क्या है, आप पीछे जाएंगे आपको यहां से भी पिक्स मिल जाएंगे. जब आप कैबलरी याद करेंगे तो ये है हक्सिंग तालबिलम, और आप जब नीचे आएंगे तो आप इस पिक्स को यहाँ पे अटैच कर लेंगे तो दीकत के अंदर आपका आंसर है नंबर वन का हक्सिंग. छुबू हाउसवाइफ है नंबर टू, और आप छुबू अगर आप इसमें जाएंगे तो छुबू छुबू गियो के अंदर आंसर है, आप इससे जोड़ेंगे. इसी तरीके से होइसा वॉन है, फैक्ट्री मुलाजम है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो आपने नंबर थ्री का जो आंसर होगा वो नियम के साथ आप अटैच कर देंगे, यहां से यूं जोड़ देंगे. क्युंगछल गुआन है नंबर फोर, और इसका आंसर है रियल के अंदर है, आप इसके साथ यूं क्रॉस कर देंगे. उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा. जी एग्जांपल नंबर दो ई फोगी मसाल छुरम की तरह मुंजंगुल वंसंग हासे, मसाल की तरह मुंजंग फिक्रे को वंसंग हेसे जोड़े मनाए. फोगी आपके एग्जाम्पल है और हक्सिंग तालबिलम. हक्सिंग इमनिका सवाल किया है और यहाँ पे आपने जो जवाब देना है वो इमनिदा में देना है, तो आप जवाब देंगे हक्सिंग इमनिदा. अब यह क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क्स मार्क किया हुआ है, इट्स मीन इन सब के सामने आप इमनिका का इस्तेमाल करेंगे. होइसा वोन इमनिका. नंबर टू सोबंगवान इमनिका. नंबर थ्री खनोसा इमनिका. नंबर फोर खी सुलजा इमनिका. ये आपने एग्जाम्पल की तरह देखते हुए आपने ये सवाल किए हैं. नंबर वन है होइसा वोन इमनिका, क्या आप फैक्ट्री मुलाजम हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं?
सो बंगवान इमनिका क्या आप फायरमैन हैं? खनोसा इमनिका क्या आप नरस हैं? और इसी तरीके से खीछुलजा टेक्नीशियन मैकेनिक क्या मैकेनिक है? अगर आप हैं तो आप जरूर बताइए जी। नेक्स्ट पेज हुवलथुंग, इसका मतलब है सरगर्मी। आपकी सरगर्मी क्या है? सरगर्मियां है तफोगी मसाल छुरम की तरह चिंगू तिलक्वा दोस्तों से, मसाल की तरह अपने दोस्तों को इरम नाम पूछे, कुकचुंग पेशा सॉरी कौमियत छिगाबल पेशा मुत को पूछ कर, मुत गु पूछ कर थे थप हाबो से ओ जवाब दे। आप अपने दोस्तों से, दोस्तों का नाम कौमियत उनके पेशा पेशा जो है वो पूछ कर आपने जवाब देकर देखें, जवाब देकर देखें। हो गया है सॉरी ऊपर चलेंगे। Following the example, ask and answer questions with your friend about their name, nationality and occupations. कि आप अपने दोस्तों के नाम, उनका जो nationality है और उनका जो occupation है वो पूछें। होगी example आपको दी हुई है जी। त्वान इरमी मुआश्मिका नाम क्या है? इरमी मुआश्मी का नाम क्या है? रिहान, रिहान इमिदा रिहान हो तोन ऊनी नारा सराम इमिका किस मुल्क की? रिहान पाकिस्तान सराम इमिदा पाकिस्तानी बशिंदा हो या पाकिस्तान का हो, मैं पाकिस्तान का हूँ या पाकिस्तानी हूँ। थ्वान होइसा वो निमिका, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया क्या फैक्ट्री मुलाजम हो? रेहान ने हा होइसा वो निमिका, मैं फैक्ट्री मुलाजम हूँ। नीचे आएंगे जी कॉलम में आप देखेंगे कि इरम नाम, खुकचुक पेशा सॉरी कौमियत, नेशनैलिटी छिगब ऑक्यूपेशन पेशा। अब इसमें फोगी आपको मसाल आपको एक एग्जांपल दे दी है, रेहान, रेहान नाम है पाकिस्तान सराम, तो यहाँ उसकी नेशनैलिटी पूछी है पाकिस्तानी हूँ, और छिगब में जो उसका पेशा है होइसा वॉन कंपनी मलाजम। इसी तरीके से आप यहां किसी का भी नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यहां पे अली नाम ले लेंगे, या आप यहां एसन नाम लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे इंदो सराम इंडियन आदमी, निपाल सराम नेपाली आदमी, और यहां पे जो उसका पेशा होगा सपोज आप अगर पेशा लिखना चाहते हैं तो आप ये कह लें जी मकसू बड़ाई कारपेंटर, नुंगू फार्मर किसान लिख लें, खीछुल जा उसका जो पेशा है